कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल। घर में सब सो रहे हैं, आपके भाई आते ही होंगे। मैं तो अभी जा कर के लेट जाऊंगी। तो हमारी तो सुबह हो चुकी है जैसे कि डेली होती है। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे वजू के बाद में थोड़ा ठंड लगती है, तो कोई नहीं। और कैसा लगा आप लोगों को? सलाम, सॉरी मैं थोड़ा नमाज में थी, इसीलिए मुझे टाइम हो गया जल्दी जल्दी आने में, सब उठा के रखने के चक्कर में जा नमाज, जब तक आधा सलाम हो चुका था। नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा सुनाती। बट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो चलते हैं फिर, अभी तो सो जाएंगे, मिलेंगे सुबह आप लोगों से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसका नाम है रम्मी वेल्थ। तो चलिए मैं आपको कुछ उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो आप लोग इसके जरिए घर बैठे बैठे ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं रम्मी वेल्थ के थ्रू। तो आपको सबसे पहले 100 से 500 रुपए का रिचार्ज करना है और चूज करना है हॉटेस्ट गेम। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इसे खेलना। 200 रुपए कमाना इसमें बहुत इजी है, पर मेन पॉइंट ये नहीं है, हमें बनाना है 3 गुना। तो ध्यान से केयरफुली एकदम होकर के आप गेम को देखिए। अब मैं खेलने जा रही हूँ। तो ये मैंने पहली बैट लगाई है 100 की और ये मैं खेल रही हूँ। और मैं 100 रुपीज अपने लॉस कर गई। अब मैंने 3 गुना बैट लगाया है और मैं ये 3 गुना भी हार गई। शिट, अब मैंने रिकवर करने के लिए 3 गुना फिर से इन्वेस्टमेंट किया है और बूम गाइस, अगेन आई विन, मैं जीत गई। तो आप लोगों ने देखा कैसे आप लोगों के सामने मैंने 650 रुपए बैठे बैठे ही बना लिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी घर बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। और आप लोग UPI के थ्रू फ्यू मिनट्स में अपने पैसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से जाकर के आप रम्मी वेल्थ को डाउनलोड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकले हैं बम्बई के लिए। फोन पकड़ो। वैसे इनको नहीं पता था कि मुझे पता ही नहीं, मैडम ने सुबह व्लॉग चालू करी, मैं तो आया तो जब तक सो चुकी थी। मैं सो गई थी इनका वेट करते करते, आज ये लेट। और हम लोग घर पे रेडी हो गए थे, बहुत लेट हो रहा था, बहुत ज्यादा लेट हो गया। एक बच्चे जा चुका है, हमको निकलना है फटाफट, तो इसलिए मैंने घर पे व्लॉग चालू नहीं किया। और मैं तो बच्चे लोग घर पर है, घर पे है। और आशीर्वाद कैसी लग रही है बताओ जरा? खाना पीना खा। और मैं तो ये टी-शर्ट अभी नया लिया। चलो फिर मिलते हैं। क्या बोलते? हिंदी बोलते भाई लोग। अभी निकल रहे हैं और मैं पर्स बंद करने में परेशानी हूं। हां अभी फटाफट निकलते हैं, ये लो चलो। और मैं हैप्पी डेंट खाते हुए जाऊंगी टाइम पास। ये हम पहुंच गए हैं। ओ स्टेशन है ना वो? हां ट्रेन का रुकी है वहां पर। डॉकिया रोड, डॉकिया रोड में जानू चला रहे हैं गाड़ी। ट्रेन खड़ी है, अच्छा स्टेशन सामने था। फटाफट
सोसाइटी मुंबई। हाँ, तो यहाँ पे बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। हाँ बहुत हार्ड है, खींचो ना। वाओ, मुझे लगता है यहाँ शायद शूट्स चालू है किसी चीज का। Continue on Hornament Circle for 200 meters. तो अरे तो काला क्यों आ रहा है जानू? अभी किया, अभी थोड़ा ठीक दिख रहे हो। खराब हो गया बाबा, बहुत खराब हो गई हालत। भाई पार्किंग किधर है? Turn left onto PJ Ramchandani Mark, then you will arrive at your destination. You've arrived. Bye bye. तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये है ओबराय होटल। हाँ आजीबा, और ये है ताज। ये क्या है? हाँ तो, और ये है ताज होटल। देख के कुछ याद आ रहा है मेरे को, 26/11 बेचारे जो जो अंदर रहेंगे उनका क्या हाल हुआ रहेगा। और अभी हम लोग सामने हैं ताज होटल। फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है तुमको? ताज पैलेस कैसे लग रहा है जाने के? मुझे फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है, बहुत एकदम। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, है बहुत सारा। अभी तक दो बार आया हूँ बाहर, अभी तीसरी बार आया हूँ। इस बार अंदर जा रहे हैं, इस बार अंदर जा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसा होता है। एक्साइटेड, उम्मीद करते हैं आप लोग को तो व्लॉग अच्छा लगेगा, है कि नहीं आजीबा? हमारे साथ आप लोग भी थोड़ा घूम लो अंदर ही अंदर, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, हम लोग तो पहली बार जा रहे हैं, है कि नहीं आजीबा? हाँ, वो भी इनकी बहन की वजह से, जो इनकी बहन के रिश्तेदार जो आए हैं उनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग। तो चलो एक्सपीरियंस लेते हैं थोड़ा ताज होटल के अंदर का, है कि नहीं? किस किस को कुछ चीज़ें याद आई है, पुरानी चीज़ें, तो कमेंट में बताना, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं अंदर वीडियो बनाने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या मतलब है ना। ओ हो आतिमा, ओ माई गॉड, ये देखो ताज होटल सामने है और हम लोग बाहर जा रहे हैं गेट के पास, और ये पहुंच चुके हैं इंडिया, इंडिया नहीं, गेटवे, गेट गेटवे ऑफ इंडिया, वही बोल रहा हूँ। और रश बहुत है यहाँ पे, ये देखो। ओहो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आगे चलो, समझ तुम्हारे, मैं तुमको बचा रही हूँ गाड़ी मत बचाओ। और ये फ्रंट साइड का है जो समुंदर के पास से दिखता है, और ये आतिबा है। आतिबा, ओ माय गॉड, हाँ ये है एंट्री। तो हम लोग पहुंच रहे हैं अंदर, ओ माय गॉड बहुत हार चुड़ी है। चुके हैं यहाँ पे, ये देखो ताज होटल के अंदर कैसा लग रहा है तुमको? बड़ा मजा आ रहा है। जा रहे हैं हम लोग, पहुंच रहे हैं अंदर, जा रहे हैं। तो वीडियो फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो चुपके से बना रहा हूँ, ठीक है? चलो चलते।
हम तो अभी लिफ्ट में पहुंच चुके हैं, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है मैडम ने बोले। गर्म हो रहा है लेकिन है ना, और डर लग रहा है ना? नहीं डर, मेरे को तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तो चलो अभी लिफ्ट आ गई है। थ्री जीरो 324 है भाई, किस तरफ होगा शायद? तो ये अंदर का है, आप लोग देखो और एंजॉय करो। ये देखो हैरी पॉटर। चलो तो ये देखो सीन मस्त है यहाँ का, और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। मिल गए तो आसिफा फाइनली मिल चुकी है अपनी बड़ी सिस्टर, और ये तो सरप्राइज दिया उन्होंने। हम लोग को पता ही नहीं था कि ये आने वाले, ये तो खाली बोले जाओ इनसे मिलो और ये आ गए। And I am shocked, क्योंकि कितने साल बाद, गले तो मिलो अच्छे से, गले तो मिलो। मैं 12 इयर्स की थी उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। अब मैंने तो देखा वीडियो कॉल। तो ये अंदर का रूम है जी देखो, और यहाँ फरादी लगा रहे हैं मेहंदी शादी की तैयारी के लिए। आज हल्दी है ना? हाँ। इनको हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा, है ना? आता है। तो आसिफा गई अंदर, ये देखो ये अंदर का रूम है। हमारा छोटा भांजा लगेगा ना? नहीं है ना भांजा ना, खालिद। क्या देख के आया आसिफा? मौसम मौसम देखने गए थे। ये अंदर का पूरा, तो ये यहाँ का कबाड़ है, ये देखो। हाँ, और ये यहाँ देख रहा हूँ मैं सामने से, वहाँ पे भी, और ये है वॉशरूम, ये देखो। मस्त है ना? ये थोड़ा अलग है, जूम दिखता है इसमें, तो मैं तो दिख रहा नहीं हूँ कैसा। अच्छा हाँ, बोले बाप रे कितना भारी दिख रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है। ये अलग मिरर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा हाँ, इसको नज़दीक जाएंगे तो छोटा दिखता है, ये देखो। बोले बाप रे कितना बड़ा मुँह दिख रहा है मेरा तो। इसमें बहुत बड़ा मुँह दिख रहा है, कहाँ गया? ये देखो बहुत बड़ा मुँह दिख रहा है इसमें। ये ब्रॉड कैमरा जैसा है, और ये देखो यहाँ का वॉशरूम मस्त है, ये देखो इधर भी मिरर है। ये नहाने वाला है अंदर, उधर वो साइड से नहाने वाला है। ये इसका डोर यहाँ से, ये वाला कैसा लगा आप लोग जरूर बताना कमेंट में। अच्छा अच्छा, तो मैं बना रहा हूँ ताज में ताज, ताज वाह ताज, ताज में ताज वाह ताज, वाह ताज, वो तबला वाला है ना, वो बता रहा हूँ। तो कॉफी बना रहा हूँ, पर ये कॉफी पानी जैसी लग रही है। हाँ, ये पल्ले नहीं पड़ेगा जी, वे मुझे लगता है ये बनाने के बाद भी फेंकनी पड़ेगी। बाहर हो गए उसमें दूध का पाउडर और लगेगा, आई होप सो खत्म ना हो जाए। अगर आपको बनाने दिया जाए ताज में, तो एक दिन में खाली एक कप के लिए ताज में, तो मैं वहाँ ताज बना दूँगा। फिर पब्लिक मेरे हाथ की कॉफी मांगेगी, बोलिए शफीक को बुलाओ। पर ताज से सामान मंगाओ। हाँ, तो ये कॉफी, तो अगर
ये वाटर कॉफी बनी। अगर ये बनाने खड़े होंगे तो ये ऐसे एक कप के लिए ताजा का मिल्क का ये पाउच है, देखो ये पाउच है, इतने में क्या है? इतना तो मेरी बिल्ली चाट जाती है। हाँ, चाट लीजिए, जबान में भी रह गया। सोचो यहाँ पे मिल्क फ्रिज, ये देखो मिल्क, इंग्लिश मूवी का ओ माय गॉड, इतना सारा मिल्क तो तो यहाँ तो है नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तो बोलूंगी यही निकाल के डाल दे पैकेट में, इतना सा दूंगी। और यहाँ पे एक चाय का 500 रुपीस है तो इसका 250 रुपया होगा डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के साथ 250 रुपया, देखिए मैं बना रहा हूँ तो 1000 रुपया लूंगा। बोलो 1000 रुपया लूंगा, बहुत दूर से आया हूँ मैं। तो एक कप का 1000 और एक कप का 1000, टोटल 12000 की बन गई है ये। चलो भाई देखो पानी वाली शुगर से 12000 की ये कॉफी, सॉरी 2000 की ये कॉफी बनी है पर कप 1000, क्योंकि ये बना रहे ना मेरे लिए तो फ्री है। हाँ हाँ सही में, सच बोलो भाई। हाँ क्योंकि ना यहाँ साइड में मुंह बन गया, पहले मैंने कैप्चर किया है वो चीज ऐसा करके। वाह ताज, अब ताज में पी रहा हूँ कॉफी। हाँ ठीक है, पीने लायक ही। हाँ बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा डर भी लग रहा था मेरे को जब मैंने एंट्री मारा था। और चलो फिर आगे दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़। प्लीज़ देखना तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना कि ऐसा लगा आपको ताज होटल का अंदर का एंट्री। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ कैप्चर कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है तो चलो, ये देखो खाला भांजे, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। खाली बाय, हाई फाई दो, हाई फाई। अरे वाह, चलो बाय बाय बोलो, बाय बोल दो खालू मामा। अच्छा मामा, मामा मतलब मामा। अच्छा चलो, आपा भी यहाँ रेडी हो रहे हैं, अभी अपन निकलते हैं। यहाँ पे लिखा है आई एम खालिद, आई एम खालिद, तो मतलब खालिद की मम्मी कहाँ गई? आतिफा कहाँ गई? आतिफा चली गई। चलो चलते, हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग तो रेडी है, तो ये खालिद है। चलो चलते हैं फिर, चलो आपा, चलो बाय। अभी देखो, अभी देखो तुम तो मस्त दिख रहे हो, माशाल्लाह। चलो फिर, दीदी को तो ठीक है, मुझे नहीं वो नहीं दिखेंगे। चलो फिर, चलो फिर मिलते हैं, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय। ओ बाय मामा के साथ, बाय। नहीं चलो बाय खालिद। हाँ चलो टाटा बाय बाय। ताज बाय ताज, ताज में से आज जा रहे हैं। चलो तो ये देखिए ताज का पूरा यहाँ का बाहर का है पूरा, और ये ऊपर है। आप लोग देखो कैसा लगा बताना ज़रूर। मास्क तो मैंने ले लिया, ठीक है, बाय एंड टेंटी को बाय कर दिया। तो मैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, चलो देखते हैं अभी और भी थोड़ी बहुत चीज़ बची है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है यहाँ का फ्रेम, यहाँ का ये सीन है देखो, और ये ऊपर का है जो कि चेंज हो चुका है, पहले अलग था है ना आसिफा, अटैक से पहले थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा चेंज हो चुका है, बहुत कुछ अलग हो गया है। ये देखो सीढ़ी स्टेप पूरा, ये मस्त हो गया पूरा, वहाँ फ़ोटो खींच सकते हैं अपन। ये देखो अलग है बहुत। चलो चलते हैं, लिफ्ट से चलेंगे सीढ़ी से चलेंगे? हाँ सीढ़ी से चलते, चलो। तो थोड़ा अलग अलग है, अपन लोगों को पूरा राउंड मारना पड़ेगा ऐसा घूम के पूरा ऐसे।
तो ये वाला अलग है, यहाँ पे ये भी अलग है। हाँ चलो। अभी गेट है क्या? तो ये गेट है, आसिफा को जाना मना है शायद। दबाओ अच्छे से। चलो लिफ्ट पकड़ते हैं नीचे से दबाओ। हाँ वहाँ से गेट था, वहाँ पे थोड़ा अलग सेक्शन था ना उसको, इसी वजह से नहीं जा सकते थे। और ये अलग है। चलो दबाओ, एल दबाओ। तो हम जा रहे हैं। कैसा लगा आसिफा? बड़ा मजा आया। ये पे है ओल्ड गैलरी, सबका फोटो लगा है यहाँ पे, है ना। चलो चलते हैं। ये यहाँ पे सबका ऑटोग्राफ है और ये सबकी फोटोज, ओल्ड मेमोरीज। ये हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखो पूरा ताज के अंदर का सब सीन। ये थोड़ा मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है ये वाला। ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है मेरे को। आ गए हम लोग बाहर, आ चुके हैं हम लोग बाहर। थोड़ा बच के बनाना पड़ रहा है। क्या पता कोई देख ले तो बोले भाई वीडियो मत बनाओ, है कि नहीं आसिफा? ये आ गए हम लोग बाहर। आसिफा रुको ना जरा। ये तो ये है एंट्रेंस, यहाँ पे से हम लोग गए थे अंदर। हाँ बहुत ही मजा आया, है ना। चलो अरे सामने है गेट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए सामने है गेट ऑफ इंडिया और जाना है वहाँ से। कहाँ से आसिफा? बहुत दूर से जाना पड़ेगा घूम के, तो बहुत लंबा सफ़र पैदल चलना पड़ेगा वापस। नहीं यहाँ से नहीं है। तो ये है ओबराय और ये है ताज। तो ये देखिए चर्च गेट की मार्केट और फुल रश है। और ये आज के ब्लॉग में मज़ा आना चाहिए पब्लिक को। आजकल हमारी पब्लिक हमारी ब्लॉग्स देख रहे नहीं है बराबर। पता नहीं क्या हो गया, हम लोग आपको अच्छी अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं देखती है। तो चलो देखते हैं पसंद आएगा यह वाला है कि नहीं आएगा, क्या पता। हाँ ये हो रही है एंट्री यहाँ से। तो ये सामान ले लिया हम लोगों ने और ये पहुँच चुके हैं ताज महल। तो गया उधर और हम लोग हैं इधर। भाई लोगों ने फोटो खींच रहे? नहीं भाई मैं खुद खींचता हूँ भाई फोटो। तो ये पहुँच चुके हैं हम लोग ताज, ताज बोल रहा सॉरी गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। नहीं भाई ये तो भाई फोटो खींच रहे नहीं। अच्छा लग रहा है देखो, क्या बोलते आसिफा? मैं इतने अच्छे अच्छे फोटो खींचता हूँ भाई, मेरी फोटो खींचने के चक्कर में 30 रुपए में। पर ना कुछ चीजें चेंज हो गई है गुंबद ताज का। हाँ चेंज हो गया, पहले बहुत अलग था, डिजाइन अलग था, वो जलने के बाद चेंज हो गया। चेंज हो गया है। लाओ तुम्हारी फोटो खींचता हूँ इधर लाओ। हमने यहाँ बहुत सारा फोटो शूट किए और ये भाई ने हमारा फोटो खींचे, हमारे फोन में ही खींचे। हाँ मेरा आसिफा पर मेरा मुँह काला हो जा रहा है। वो आपके मुंह का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं सॉरी। ये मेरा वो काला कर दे रही है फोटो में, देखो कितना अच्छा फोन व्यू दिख रहा है ना, पर खींच रहे पता नहीं आधा काला कर दे रही। तो नीचे से झुक के बोलो। झुकने का नहीं, थोड़ा खड़े रहो हाथ में ही बस। हां बस ऐसे हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो और ऊपर करो, सही बोल रही हूं। बस ऐसे रुको 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 रुको, हां ऐसे रुको। हां ले लिया, नोट कैसा पकड़े ले लिया सही में मैंने। आओ तुम्हारा भी ले दो। ये देखो आसिफा का हाथ में, हाथ नीचे करो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाँ एकदम। मैंने खींचा हूँ मास्क में। अच्छा सब मास्क, सब फोटो? हाँ मैं सब मास्क में। तो बहुत अंधेरा हो चुका है, 6:30 पार हो गया, 7 बजने वाले। हाँ तो हम लोग थोड़ा गेट ऑफ इंडिया के पास जा रहे हैं फोटो खींचने। चलो बहुत मज़ा आ रहा है फोटो खींचे, पर मेरा मुइज काला आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसकी गलती नहीं है,
मेरा ही मुँह काला वो भैया ना इसलिए खड़े होकर के ना बहुत देर तक देखे, बोलते भाई तुम क्या यार तुम्हारा गुस्से वाले हो, बोलते बोले मैं इतना अच्छा खींच रहा हूँ मेरा मेरा नहीं खींच रही, तो मैं बोला उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो कोशिश अच्छा करी पर तुम्हारा आएगा ही वैसा। चलो कोई नहीं, चलो अभी यहाँ फोटो खींच। ये आ गए हम लोग गेट ऑफ इंडिया और थोड़ा फ्लैश चालू हुआ, फ्लैश चालू हो गया बट अंधेरा। क्यों बोलते इंडिया में मतलब दाखिल होने का बोलते हैं ना, फर्स्ट डोर जो होता है वो। अच्छा ये है गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से आने का नाव से, यहीं से स्टार्ट होता है। और पब्लिक बहुत है आज, ये देखो। और ये है सामने दत्ता, आज पब्लिक बहुत है और अब भूख लग रही है। तो चलो अब यहाँ से भी चलते हैं घर पे, पहले तो कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। सारा फोटो शूट किया, बहुत वीडियोस बनाए। हाँ फोटो शूट, हाँ वीडियो बनाए, फोटो भी अपलोड करूंगा, आप लोग फोटो भी देखना कैसा लगा कैसा नहीं जरूर बताना, ठीक है। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया आज ना। बेचारे बच्चे लोग नहीं ला पाए क्योंकि हम लोग बहुत दूर आए, हाँ और ये टाइम पे ट्रेन में जा भी नहीं सकते, बहुत रश रहेगा, रश ट्रेन में घुस नहीं पाएंगे। हाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब चाहिए, ये आधार कार्ड वाधार कार्ड, बाहर से लेके नहीं जा सकते, बाहर से कुछ नहीं लेके मिलने जा रहे हो। हाँ बहुत सारे, तो चलो और कमेंट में बताना कैसा लगा व्लॉग। हम जा रहे हैं बाहर, आसिफा पहन ली है मास्क और मैंने भी पहन लिया है, ये है एग्जिट। यहाँ पे है टिकट काउंटर मुंबई दर्शन के, गेटवे ऑफ मुंबई दर्शन बड़े लोग का है इतना। ये है टिकट काउंटर मुंबई दर्शन का, हाँ अब हम लोग जाएंगे कुछ खाने, बहुत भूख लग रही है। तो हमारा नाश्ता हो गया, हमने खाया वड़ा पाव और मैंने खाया फ्रूट्स, क्योंकि और कुछ था ही नहीं यहाँ पे खाने के लिए, बस वड़ा पाव समोसा, वड़ा पाव समोसा। तो हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग के पास, पार्किंग के पास और पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। हाँ पैर तो बहुत दर्द हो रहा है, थक गए ना, चल चल के लाइए मुझे। हाँ चलो चलते हैं, बाइक पे भी जाना है, बहुत लंबा सफर है। हाँ और ट्रैफिक तो, हाँ तो ये सॉरी सही था, वो गलत गए अपन को, जाए टाइम हमें थोड़ा भटक गए। हाँ वापस चर्च है ना, बहुत बड़ा चर्च है। पहुंच गए लाइब्रेरी, क्या ये लाइब्रेरी हाउस है यहाँ का सबसे बड़ा मुंबई का, अपने फिर से वहीं पहुंच गए। तो अब रोड जानू पता चल गया ना प्रॉपर, हाँ। मालूम पड़ गया रास्ता, मालूम पड़ गया, तो चलो अब टेंशन नहीं है, फटाफट जाएंगे। तो मैं बड़ी थक चुकी हूँ, दोपहर में हम लोग को आते आते कम से कम 3 घंटा हो गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा यहाँ वीडियो बनाए पर 10 मिनट के लिए रुके थे और रास्ता भी नहीं पता चल रहा था, भटका भी दी थी इनकी गूगल गर्लफ्रेंड ने, अभी भी भटकाई और अभी भी भटकाई, ठीक है। तो मैंने बोला तुम भी उसको बेवकूफ बनाओ जैसा वो आपको बेवकूफ बनाती है। अरे भाई देखो पब्लिक देखो कैसे बैठी है, तो सब बैठे हुए हैं और इनके गूगल मैप हमेशा भटकाती रहती है हमको, पर कोई नहीं, मुझे भी आ गया उसको बेवकूफ बनाना। मैंने बोला उसको बोलो वडाला डालने तो बराबर मिली पहुंचाएगी वही रोड से, वहाँ से तो फिर हम लोग को रास्ता पता ही है, फटाफट पहुंच जाएंगे। दोपहर में उसने इतना घुमा दी, इतना लंबा पड़ गया, बट अभी नहीं होएगा ऐसा, अभी फटाफट पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अभी ट्रैफिक भी इतना नहीं है लेकिन, और दोपहर में भी बहुत था और गर्मी भी बहुत थी, पता नहीं कितने पिंपल आएंगे घर पे जाके वॉश करने के बाद, कोई नहीं देखते। तो हम लोग आ चुके हैं, बच्चे लोग बैठे हैं घर में, कैसा लगा आज, मजा आया घर में अकेले? आज तो फोन चलाया मम्मा का ना बोल, है ना, सलाम नहीं किया तुमने, आसिफा के मजे हो गए सजे फटके, पैर वेर बहुत दर्द रहे, फटके पड़े बेचारी का आज बहुत, बाइक के झटके उल्टी लग रहा है बैठे बैठे, दिल में दर्द हो रहा है, बहुत बैठ रहा भाई, आज धूल मट्टी जमा हो गई, जाके भी बहुत करवा के ली मैंने किससे, कौन किया, गेटवे ऑफ इंडिया पे अपनी कौन खाली किया? एक फोटो को खींचने, अरे मेरी बेइज्जती, मैंने कहा बेइज्जती क्या नहीं मेरा काला फोटो खींच रही थी तो मैं बोला उसको घुस बोलती है तो बहुत मजा आया आज, बच्चे लोग को मजा आया उमेर, हाँ तो
फोन चलाया आज बहुत, तो हम लोग बहुत थक गए। हमारा पैर बहुत बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है, पैर थक गए, हालत खराब हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, उसको नींद आ रही है। चलो ठीक है, खराब हुआ। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना, घंटा दबाना। मैं बोला ना ट्रेन से चलना। अरे ट्रेन से जाओ, किससे भी जाओ, तो खड़े रह के पैर दुखता है, ऐसे बैठ खड़े रह के बैठ नहीं जाना मेरे ट्रेन में। तो चलो कोई नहीं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना, दुआ में याद रखना। तो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के। बट बहुत मजा आया ना सो उधर, मेरे तो बहुत डर लग रहा था मेरे को, कोई घुस सीढ़ी उतरवा कर ले गए, ज्यादा तो तुम ही चलवाए हो, सीढ़ी उतर के ले गए, आगे गेट बंद है, तो गेट बंद था। टाइटैनिक पिक्चर, टाइटैनिक पिक्चर याद आ गई मेरे को, ऊपर ऊपर वाले नीचे नहीं जा सकते, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। तो चलो बाय, गुड नाइट, दुआ में याद रखना, गुड नाइट। कदम मारा डाटन को, हाफिज।